मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नेपा नगर की विधायक सुमित्रा काजलेकर की मुसीबतें कम नहीं हो रही है, मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। जब वो कांग्रेस की विधायक थी जब भी मुसीबतें थी, और भाजपा की विधायक थी तब भी मुसीबतें हैं। दरअसल ताजा मामला ये है कि उनकी 10वीं की मार्कशीट को लेके दावे आपत्ति हो रही है और ये मार्कशीट फर्जी है, ऐसा आरोप लगाया है नेपा नगर के भाजपा नेता प्रवीण कार्टर ने, और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने शिकायत की है। अब ये मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट से मांगा है कि आखिर इनकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो फर्जी है। इस मामले में कोर्ट ने महाराष्ट्र शिक्षा मंडल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया था, और ये अधिकारी ने 3 दिन पहले आके यहाँ पे बयान दर्ज कराए हैं। उन्होंने अपने बयान दर्ज कराने में ये कहा है कि जिस नाम से ये मार्कशीट जारी हुई है वो लड़की ये सुमित्रा काजलेकर नहीं है, और जिस सुमित्रा काजलेकर ने जो मार्कशीट पेश की है ये वो लड़की नहीं है। ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये सूचना के अधिकार में निकले हुए दस्तावेज बता रहे हैं, ये दस्तावेज जिला न्यायालय से निकले हैं। आप खुद सुनिए क्या कहा प्रवीण काटकर ने, और ये कहीं ना कहीं मुसीबतों भरा मामला है क्योंकि पूर्व विधायक नेपा नगर सुमित्रा काजलेकर ये भाजपा की नेता भी हैं, इन पे ये गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल किया था, और ये इस्तेमाल उन्होंने पेट्रोल पंप की एजेंसी लेने में किया था, जो पेट्रोल पंप तो नहीं मिला लेकिन ये इतना बड़ा विवाद उनके सर पर आकर बैठ गया। बहरहाल जो भी हो आप खुद सुनिए क्या कहा प्रवीण काटकर ने, और हमारी खबरों को देखते हैं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको दिल्ली से खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यदि खबर आप इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे देख रहे हैं उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। मेरे द्वारा माननीय न्यायालय बुरहानपुर में एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि सुमित्रा देवी काजलेकर द्वारा जो अंक सूची उपयोग में लाई गई थी वो कूटरचित है। किस संबंध में न्यायालय ने एजुकेशन बोर्ड अमरावती को अपने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, उनके द्वारा बयान दर्ज कराए गए हैं कि उनके द्वारा जो अंक सूची जो बनाई गई थी वो कूटरचित है। वह मार्कशीट किसी छात्रा बैठे कर सुनीता धाजू की थी, ना कि सेमल कर सुमित्रा लागू की थी। ये उनके द्वारा बयानों से स्पष्ट हो गया है। मेरे द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया था उसे स्टेट महाराष्ट्र द्वारा उसको सत्यता की ओर आकर्षित किया है। मैं इस संबंध में आगे की कार्रवाई माननीय न्यायालय जो भी करेगा उसके लिए मैं सहमत हूँ। मेरा नाम प्रवीण काटकर, नेपाल। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।